एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है इस मेकअप लुक इस आई मेकअप के बारे में। यानी काफ़ी गर्ल्स रिक्वेस्ट कर रही थी कि स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप करना सिखाएं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ एज अ प्रोफेशनल। यानी आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, और मेकअप पैलेट ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ही आप लोग यूज़ करो। आपके पास जो मेकअप पैलेट है, यानी आई शेड पैलेट है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही यूज़ करो, सिर्फ टेक्निक वो यूज़ करें जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, जो कि अभी आपने देखी नहीं है, बट फिर भी आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग गर्ल्स। शेडोज़ के लिए सबसे ज़रूरी है प्राइमर। प्राइमर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्राइमर नहीं है तो आप क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने आई शेड के लिए एक क्लीन कैनवस लेना है। उसके बाद हम ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। ये ब्रश है ब्लेंडिंग ब्रश, ये है शेडर ब्रश, और ये है फ्लैट ब्रश। उसके बाद है पेंसिल ब्रश, जिसको हम बॉटम वाटर लाइन के लिए यूज़ करेंगे, और इसको भी सेम उसी के लिए यूज़ करेंगे। ये है क्रीज डिफाइनर ब्रश, क्रीज को मतलब ब्लेंडिंग के दौरान इसे यूज़ किया जाता है। और ये है क्रिस्टीन फ्लैट ब्रश, इसको आईलेट पे आई शेड लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं। अभी हम कंसीलर पूरी आईलेट पे लगाएंगे ताकि यानी तमाम पिगमेंटेशन जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमारा जो आई शेड है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। तो उसके बाद हम उस पर पाउडर भी अप्लाई करेंगे, और सबसे पहला कलर लेंगे हम लूला और ये कलर हम अपने क्रीज में अप्लाई करेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। और ब्लेंडिंग ब्रश जो है उसको हम फ्रिक्वेंटली ब्लेंड करते रहेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इजाबेल। इजाबेल कलर बहुत ही प्यारा कलर है, और इसको हम क्रीज के कलर के ऊपर थोड़ा अप्लाई करेंगे, और ताकि वो लाइन्स जो हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और ये कलर बहुत ही मज़े का कलर है, इससे एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट आता है आई मेकअप में, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वायलेट, और इसको हम अपनी क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। गर्ल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्रीज को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने ब्रश को नीचे की तरफ हम ब्लेंड करेंगे, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि हम ऊपर वाले कलर्स को नहीं छेड़ेंगे। और इस कलर को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करना गर्ल्स, ऊपर के कलर्स को छेड़ना नहीं है, सिर्फ नीचे ही उसको ब्लेंड करना है अपनी आईलिड की तरफ। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे मून डस्ट को हम ब्राउ बोन पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम मरीना यूज़ करेंगे, नहीं उसके बाद हम ओ माय गॉड लूला और इजाबेल जो है उसको हम बॉटम लैश लाइन पे यूज़ करेंगे, और क्लॉडिया जो है वो आई लैश के बिल्कुल करीब यानी लैश लाइन पे ही यूज़ करेंगे, और इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इससे आँख बहुत ही ओपन नज़र आती है। उसके बाद हम फाइनली मरीना यूज़ करेंगे आईलेट पे, ये बहुत ही प्यारा कलर है। ब्रश को थोड़ा सा गीला करेंगे तो कलर और ही प्यारा लगता है, यानी पिगमेंटेड लगता है बहुत ज़्यादा जब ब्रश गीला करके आई शेडो अप्लाई करें तो। उसके बाद हम वायलेट दोबारा जो है आउटर वी पे, यानी आँख के आउटर वी पे हम उसे अप्लाई करेंगे।
यानी क्रीज डिफाइनर ब्रश के साथ और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, लेकिन हम इसे इनर कॉर्नर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ आउटर वी पर ही उसे रहने देंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और साथ ही साथ हम नीचे बॉटम लैश लाइन जो है, ये कलर हम वहाँ पे भी उस ड्रैग मतलब वहाँ पे भी लेके जाएंगे और उसको भी साथ ही साथ हम ब्लेंड करेंगे ताकि मतलब दोनों एक से लगें, कोई डिफरेंस फील ना हो ऊपर लैश लाइन और नीचे में, बहुत ही प्यारा लगता है। इसी तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे और आखिर में हम फिफ्थ एव लेकर अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। और आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है और उसको और भी फुल ग्लैम करने के लिए हम लाइनर और लैशेस यूज करेंगे। सो या कंप्लीट डन। मेरे चैनल पर अगर कोई न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गर्ल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट करने में कंजूसी मत करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।